जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 के बारे में। तो फाइनली आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहां पर आप लोगों का जो फिजिकल होना है उसकी जो डेट है वो आ चुकी है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की जो फिजिकल डेट है वो आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके फिजिकल की डेट को लेकर, है ना। फिजिकल में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। एडमिट कार्ड इसके कब तक आएंगे उसके बारे में भी यहाँ पर मैं जानकारी देने वाला हूँ। साथ में स्कोर कार्ड के बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। स्कोर कार्ड को लेकर काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों का रिजल्ट आया है, है ना, रिटर्न एग्ज़ाम का, उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ जो है जितना कट ऑफ है उतने ही नंबर है या उससे एक या दो नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो कट ऑफ आपको पता है फिजिकल के बाद इंक्रीज़ होने वाली है, तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में है कि स्कोर कार्ड देख ले तो पता चल जाए कि यहाँ पर आप लोगों को फिजिकल के लिए जो है जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो इस वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेट की। तो देख पा रहे होगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, जो कि फिजिकल के बारे में है। कांस्टेबल, है ना, जो कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस का जो आपका नोटिफिकेशन आया उसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों की जो फिजिकल की डेट है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 13-1 यानी 13 जनवरी 2024 से लेके 20 जनवरी 2024 के बीच यहाँ पर आप लोगों का फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसी डेट के बीच आपका यहाँ पर जो फिजिकल होने वाला है, हो सकता है आपका जो फिजिकल है वो 13 तारीख को हो जाए या फिर हो सकता है आपका अंतिम दिन में हो, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी डेट आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को ID प्रूफ में जो है कोई एक डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, जैसे आधार या पेन, ठीक है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट्स आपको लेके जानी है, है ना। साथ में बात करें तो जाति प्रमाण पत्र ST SC OBC वालों के लिए यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस लगने वाला आप लोगों के लिए, और ये सिर्फ मेल के लिए रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। फिर अगर आप NCC अगर होल्डर है तो वहाँ फिर आप लोगों को बेनिफिट अगर लेना है तो उसका डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हैं। साथ में NC जो आपका एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ वगैरह आप लोगों को लेकर जानी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आप लोगों के स्कोर कार्ड को लेकर, ठीक है। स्कोर कार्ड यहाँ पर आप कैसे चेक कर पाएंगे उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। देखिए, उससे पहले अगर बात करें इसके एडमिट कार्ड की, जो आपका फिजिकल होना है उसके एडमिट कार्ड आपको कब तक देखने को मिल जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का अभी 13 तारीख से फिजिकल है, तो आपको पता है फिजिकल के एडमिट कार्ड आपको 4 दिन पहले जो है देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 4 दिन पहले आप लोगों के फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, और ये आप लोगों को 9 तारीख के आसपास देखने को मिल जाएंगे। 9 जनवरी को आप लोगों का फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। अब स्कोर कार्ड आप लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पर SSC की तरफ से स्कोर कार्ड को लेकर अभी तक जो है अपडेट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे चेक करेंगे कब जारी होगा वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, स्कोर कार्ड देखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पर आना होगा, क्योंकि यहीं से आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे। इसमें आप लोगों को रिजल्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोगों को आपका स्कोर कार्ड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि स्कोर कार्ड जो है जारी नहीं किया गया, ठीक है। तो ये हो सकता है आप लोगों के फिजिकल के जो है 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद आप लोगों को जो है 13 तारीख के आसपास जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो फिजिकल के पहले जो है स्कोर कार्ड जारी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों का स्कोर कार्ड जो है 12 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो 20 तारीख तक आप लोगों को 100% जो स्कोर कार्ड है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर स्कोर कार्ड का लिंक आपका एक्टिव होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। चैनल से जुड़े रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।